घमंडी वीरेंद्र। एक गांव में वीरेंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी सविता और 7 वर्ष का पुत्र पवन भी उसके साथ ही रहते थे। गांव में कई सारे लोग एक बड़ी फैक्ट्री में नौकरी करने जाया करते थे। वीरेंद्र भी उन्हीं के साथ रोज सुबह नौकरी करने निकल जाता था और ऐसे ही उसका और उसके परिवार का गुजारा चल रहा था। एक दिन गांव में एक बड़ी सी गाड़ी लेकर एक व्यापारी आया और उसने आवाज लगानी शुरू करी। कपड़े ले लो कपड़े, त्योहार के लिए बहुत सुंदर कपड़े। इन कपड़ों को बोनस रेट पे दे रहा हूँ और साथ ही 3,000 रुपए की खरीद पर एक लकी ड्रॉ कूपन भी है, और अगर तुम लकी ड्रॉ कूपन जीते तो तुम्हें 2,00,000 रुपए मिलेंगे। कपड़े ले लो कपड़े, त्योहार के अच्छे अच्छे कपड़े। व्यापारी की बात सुनकर वीरेंद्र ने तुरंत सोचा, अरे वाह, मुझे तो कपड़े लेने ही थे। अभी त्योहार जो आ रहा है, ये तो बोनस भी दे रहा है, और अगर मुझे वो लकी ड्रॉ मिल गया तब तो मेरे मजे हैं। ये सोचकर वीरेंद्र ने उस व्यापारी से कपड़े खरीदने का सोचा। अरे भैया, मुझे मेरी बीवी और मेरे बच्चे के लिए सुंदर कपड़े दिखाओ। ये लीजिए सर, ये बहुत सुंदर कपड़े हैं। आप अपनी पसंद से इनमें से कोई भी पसंद कर लीजिए। हाँ, ये 3 ठीक रहेंगे। कितने के लगेंगे? सर इनका 3,000 रुपए। अरे कोई डिस्काउंट विस्काउंट नहीं है क्या? सर मैं डिस्काउंट बताकर ही तो बता रहा हूँ, वरना तो ये कपड़े 6,000 के हैं। और फिर आपको इन पर लकी कूपन भी तो मिल रहा है। अगर आपका नाम उस लकी कूपन में आया तो आपको 2,00,000 रुपए का इनाम मिलेगा। अच्छा क्या? लेकिन एक बात बताओ, तुम लोग इतनी छोटी सी गाड़ी में दुकानदारी कर रहे हो, 2,00,000 रुपए जैसा बड़ा इनाम कैसे दोगे? अरे सर, हम डायरेक्ट कंपनी से आए हैं, वो हमें पैसा देती हैं और हम आपको, हमारा बीच में बस इतना ही काम है। अच्छा अच्छा, ये लीजिए सर, आप रुकिएगा, 1 घंटे में लकी ड्रॉ के विनर का नाम अनाउंस होगा। ठीक है ठीक है। 1 घंटे के बाद लकी ड्रॉ के विनर का नाम अनाउंस हुआ और पता है, वीरेंद्र लकी ड्रॉ जीत गया। उसको 2,00,000 रुपए मिले। वो खुशी के मारे पागल हो रहा था। अरे इतने सारे रुपए, मैं तो कहीं पागल ना हो जाओ। पैसे लेकर वो सीधा घर गया और बस पैसे के ख्याल में खो गया। दूसरे दिन जब नौकरी पर जाने के लिए उसके दोस्त उसके घर आए तो उन्होंने देखा कि वीरेंद्र तो तैयार ही नहीं था। आवा वीरेंद्र, अभी तक तैयार नहीं हुए क्या? लेट होना है क्या? चलो जल्दी तैयार हो जाओ। अब मैं नौकरी वाकरी पे नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ, मेरा कोई दिमाग खराब थोड़ी है। मैं अब आराम करूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है। वीरेंद्र की बात सुनकर उसका दोस्त थोड़ा हैरान हुआ। आवा पैसा है? कहां से पैसा है? और नौकरी नहीं करोगे तो खाओगे क्या? बड़े बड़े पहाड़ भी बैठे बैठे खाने से खत्म हो जाते हैं, तुमको पता नहीं क्या? दोस्त रवि के समझाने के बाद भी वीरेंद्र को कोई बात समझ नहीं आई। उसने तो डिसाइड कर लिया था कि वो तो बैठकर 2,00,000 रुपए मजे से उड़ाएगा। अरे मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम लोग जाओ, मुझे जरूरत नहीं अब ये छोटी मोटी नौकरी की। दोस्तों के लाख समझाने के बाद भी वीरेंद्र नहीं माना, दोस्त चले गए। उसके बाद वीरेंद्र ने जमकर 2,00,000 रुपए से खूब ऐश करी। पैसा आने से वीरेंद्र में बहुत घमंड आ गया था। वो अब किसी से ठीक से बात नहीं करता था, पैसा खूब अनाप शनाप बेबात खर्च करता था। उसकी बीवी भी इस बात से बहुत परेशान थी, लेकिन वीरेंद्र किसी की बात नहीं मानता था। एक दिन अपने आंगन में आराम फरमा रहा वीरेंद्र अचानक से अपनी बीवी की आवाज सुनता है। अजी सुनते हो, पवन की तबीयत बहुत खराब है, कल रात से उसने कुछ नहीं खाया, हमें उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हाँ हाँ चलो, सरकारी नहीं प्राइवेट अस्पताल में ले जाऊंगा अपने बेटे को। जरा अलमारी से पैसे निकाल लाओ। कौन से पैसे? क्या मुझे बताया था इन पैसों के बारे में? आपके पैसे हैं, आप ही जाने और आप ही उन्हें लेकर आए, मैं पवन को तैयार करती हूँ। हाँ इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं ही ले आता हूँ। ये बोलकर वीरेंद्र जैसे ही अलमारी में पैसे निकालने जाता है, वो देखकर हैरान रह जाता है कि अलमारी में सिर्फ 200 या 300 रुपए ही पड़े थे। वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
वो डर जाता है कि वो अपने बेटे पवन को अब अस्पताल लेकर कैसे जाएगा। हाय, इतने सारे पैसे थे, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए। अब ये 200 रुपए लेकर मैं कैसे अपने बच्चे को प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाऊं। हाय, ये मैंने क्या किया। इसी सोच पे दुखी होकर वीरेंद्र अपने घर के दरवाजे पर बैठा था, तभी उसका दोस्त रवि आया। आवा वीरेंद्र, क्या हुआ, इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? अरे मैं क्या बताऊं तुम्हें, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, कल रात से उसे बहुत तेज बुखार है। अरे मियाँ, तो फिर उसको अस्पताल लेके जाइए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे अस्पताल लेकर जाने में बहुत खर्चा है। तो आपके पास पैसे की कहाँ कमी है? रवि की बात सुनकर वीरेंद्र ने अपने दोस्त को सारी बात बताई कि कैसे उसने बिना सोचे समझे सारा पैसा खर्च कर दिया और आज जब जरूरत है तब उसके पास सिर्फ 200-300 ही रुपए बचे हैं। रवि ने वीरेंद्र की पूरी बात सुनी और कहा, अवा मियाँ, हमने आपको समझाया था लेकिन आपने तो हमारी बात ना सुनने की कसम खा रखी थी, अब देखिए क्या हुआ। चलिए कोई बात नहीं, जब तक हम दोस्त हैं तब तक आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये लीजिए कुछ पैसे और जाकर तुरंत अपने बेटे को हॉस्पिटल में दिखवाइए। वीरेंद्र ने रवि से पैसे लेकर तुरंत अपने बेटे को हॉस्पिटल में जाकर उसे दिखवाया और ठीक होने पर ये कसम खाई कि आगे से कभी पैसे के चक्कर में घमंड नहीं करेगा और कभी भी पैसे बिना सोचे समझे व्यर्थ नहीं करेगा। अगले दिन अपने दोस्तों के साथ पहले की तरह वीरेंद्र अपनी फैक्ट्री में जाकर नौकरी करता है और उन पैसों से खुशी खुशी अपना घर चलाता है। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी पैसे फिजूल नहीं खर्च करने चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए।